नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा में 18 फरवरी को, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग है। बीजेपी पहली बार इन तीनों राज्यों में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि इन राज्यों में सत्ता पक्ष को इस पार्टी से सीधे चुनौती मिल रही है। बीजेपी के 25 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को त्रिपुरा में दो चुनावी रैली की। बीजेपी ने त्रिपुरा में वाम मोर्चा के लाल किले पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी की ओर से राज्य अध्यक्ष अमित शाह, करीब 2 दर्जन केंद्रीय मंत्री, मुख्य वरिष्ठ नेता और 100 से ज़्यादा सांसद विधायक यहाँ लगातार जनसंपर्क और रैलियाँ कर रहे हैं। त्रिपुरा में बंगाली हिंदू आबादी में करीब 70% नाथ योग संप्रदाय के वोटर हैं। अगरतला में नाथ मंदिर भी है। इन्हें लुभाने के लिए यूपी के सीएम योगी ने यहाँ 2 दिन रोड शो और जनसभाएं की। बीजेपी राज्य में क्षेत्रीय दल इंडिजीनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी 60 में से 51 सीटों पर और EAP-IFT 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। EPFD काफ़ी वक्त से अलग आदिवासी बहुल त्रिपुरा लैंड राज्य बनाने की मांग कर रही है। बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान असम के मंत्री और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा संभाल रहे हैं। इससे पहले वह मणिपुर असम विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं। त्रिपुरा में पिछले 25 साल से माकपा की सरकार है। इस बार उसे अपना गढ़ बचाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि सीएम माणिक सरकार की राज्य में साफ सुथरी छवि है और व्यक्तित्व बीजेपी के प्रयासों पर भारी पड़ रहा है। माणिक 20 साल से राज्य में सीएम है, इसलिए बीजेपी सीएम पद के लिए किसी न नाम की घोषणा से बच रही है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव में माकपा को चुनौती देने वाली कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस इस बार हाशिए पर है। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। तृणमूल के 6 विधायक चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे, इसलिए पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी इस बार त्रिपुरा चुनाव में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।